आज हम इसको मौत के घाट उतार देंगे। आमा ऐसा ना बोल, मर्डर केस हो जाएगा। हाँ, सिर्फ हाथ पैर तोड़ेंगे, जमानत जल्दी होना। ये शेर के भेस में कौन? बाप रे, ये लोग कौन है जो इसे काटने जा रहे हैं? लोगों ने इनको सुपारी नहीं दी? अरे सुन, ये हीरो तो डिट्टो सुलेमान जैसा होना। फाइट भी सुलेमान जैसे ही कर रहा है, पर ये सुलेमान नहीं। अब उसने हमें देख लिया, चलो निकलो यहाँ से। बादशाह ने हमें मारने के लिए गुंडे भेजे थे। बादशाह, आज तेरी मौत तुझे पुकार रही है। सुनिए जी, उसे जाने दीजिए। हट जा। रुक जाइए। शास्त्री जी, हट जाइए। मैं आपको मना नहीं करूंगा। शास्त्री जी, ये हमारे घर का मामला है, हट जाइए। मेरी बात मानिए, पूजा खत्म होने तक आपके हाथों से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। एक बार ये यज्ञ हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। सुनिए जी, कृष्णा शास्त्री बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पूजा खत्म होने तक आप ऐसा कुछ मत कीजिए। तुझे नायडू के भाई के टुकड़े करने भेजा था और तू खाली हाथ आ गया। उस कमीने की बेटी को किडनैप करके उसकी शादी मैं अपने बेटे से करवाना चाहता था, उसे नौकरानी बनाकर रखना चाहता था। अरे बंद कर ये हिलाना। गए थे शेरों की तरह कि शिकार करके लौटेंगे, और खुजली वाले कुत्ते की तरह वापस आए। लानत है तुम पर। थू। पर भैया जी, चुप हो जाओ। सबका प्लान फेल हो सकता है, पर मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता। आज शक खत्म करना ही होगा, बंदरों के बीच हमारा सुलेमान होना या कोई और। वो देखो, वो रहा। मेरे पास एक तरीका जी, उना का नाम लेके पुकारते। उन्होंने सुन लिया तो सुलेमान ही छोना। और नहीं सुना तो बहरा होना। अच्छा सुलेमान, देखो ये तो सुलेमान ही छोना। सुलेमान, सुलेमान रुको, सुलेमान। अरे रामू मालिक, भैया बुला रहे हैं। ठीक है मालिक, जाओ अंदर। आप लोग इस घर के अंदर क्या कर रहे हैं? चुप कर, तूने तो कहा था स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने जा रहा हूँ, तू तो यहाँ ड्रामा कर रहा है। अरे पागल, ये फैमिली और अपनी फैमिली का 36 का आंकड़ा मालूम नहीं? तू बादशाह का बेटा है, नायडू अगर जान गया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके चिलकुओं को खिला देगा। तू तो उन्हें को जानता ही है। तू इधर को क्या कर रहा है? इस जायदाद का हिस्सा लेने के लिए आप कोर्ट गए थे, मैं तो पूरी प्रॉपर्टी को लेने के लिए यहाँ आया है। पूरी जायदाद में से हिस्सा लेने नहीं, तू इस बच्चे की जान लेने आया है। बच्चे
अरे बेटा, गेटअप तो पंडितों वाला है, नमाज नहीं अदा करता क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पूरी ईमानदारी से 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। आप लोग निकलो निकलो निकलो, जाओ जाओ, ये जगह खाली करो, निकलो निकलो निकलो। ओम नमः शिवाय। बापरे बापरे बापरे, ये रोज नमाज भी पढ़ता है, ऊपर वाले बचा ले मुझे। हाँ, अरे नमाज का वक्त हो गया। इतना मैनेजर ने दिया तो मेरा आई। बाप रे, ये तो मुसलमान है, इसलिए वो फ्रॉडी मैनेजर उस दिन बिल मुझ पे फाड़ रहा था। अभी देखता हूँ। पिताजी। हाँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो कृष्णा शास्त्री। नायडू जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? कबाड़ी राजू जो पंडित को यहाँ पूजा कराने के लिए लाया है, वो दरअसल एक मुसलमान है। पंडित के बच्चे, तू पागल हो गया है? भरोसा नहीं तो आइए मेरे साथ। अरे अरे, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, इतनी हड़बड़ी कैसी? कृष्णा शास्त्री ब्राह्मण नहीं है, वो मुसलमान है। ऊपर वाले, कहाँ जाऊँ, जहन्नुम में या नरक में? अरे मैनेजर साहब, नायडू साहब आपको बुला रहे हैं। तीर्थ यात्रा पर चला गया। मैं झूठ नहीं बोलता है। तू साले, तू क्या राजा हरिश्चंद्र की औलाद है? जाने दे मुझे। अबे काली बिल्ली की तरह रास्ता क्यों काट रहा है मेरा? इंसानियत के दयालु मालिक, ये घर निहायत ही पाक और पवित्र स्थल है। इस घर के मूल पुरुष वीर नरसिम्हा नायडू पर और उनके सारे परिवार पर अपनी कृपा रखना। अगर थोड़ी कृपा बच जाए तो उस भोले भाले मैनेजर पर भी और उन बहुत ही शर्मीले शर्मा जी पर भी। अपने प्रेम का रस बरसाना, सबको खुश रखना। ओ गॉड, यू आर ग्रेट। आई विल कम एंड मीट यू टुमारो एट द सेम प्लेस एंड द सेम टाइम। वेट फॉर मी। हालेलुया, आमेन। ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये तो क्रिश्चियन है। अरे आप लोग कब आए? कृष्णा शास्त्री, तुम नमाज भी पढ़ते हो और प्रे भी करते हो। आपके खानदान की भलाई के लिए मैं हिंदू आरती करता हूँ, मुस्लिम नमाज पढ़ता हूँ और क्रिश्चियन प्रेयर भी करता हूँ। अगर आपको दुख हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। अगर ये इतना ही अच्छा है तो मैनेजर इसे वापस क्यों भेज रहा था? क्यों मुझ गरीब पर इल्जाम लगा रहे हैं? एक अच्छी और नेक आत्मा पर शक नहीं किया जाता। इनकी महानता को जानना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सर्वधर्म समभाव है। ये पंडित की वाणी बोल रहा है, ये बहुत जोर से लगी। कृष्णा शास्त्री, मुझे तुम्हारी सर्वधर्म की सोच बहुत ही अच्छी लगी है। अच्छा हुआ डेविड की बाइबल मेरे जेब में पड़ी थी। लेकिन ये याद रखना कि तुम यहाँ ग्रह शांति के लिए आए हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अबे फ्रॉडी, तू इनकी आंखों में धूल झोंक सकता है लेकिन मेरी आंखों में नहीं। मैं तेरा पोल खोल कर रहूंगा। 2x2 सिर्फ जानने से क्या होता है? पहले घर वालों को साबित करके दिखा और ऊपर देखना बंद कर गर्दन में पहुंचाएगी। अरे मुझे पकड़ो। मालिक, उन्होंने एप्लीकेशन भेजा था। यहां, यहां, यहां से मुझे। अरे शर्मिला क्या कर रही हो? मालिक क्या हुआ? बड़ी जोर की। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। अरे छोड़ 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 छोड़।
कृष्णा शास्त्री, ये तो तुम हो। सॉरी, मुझे लगा कि छोटू है। कृष्णा शास्त्री सॉरी, मैं समझी छोटू है। ए छोटू, इधर आ, इसकी हाइट देख, 1.5 फुट है ये, और ये 6 फुट। इतनी बड़ी होकर लंबे और छोटे में फर्क नहीं समझती। मैनेजर साफ साफ कहो, जलेबी की तरह गोल बातें समझ मुझे नहीं आती। बात करना नहीं आता भैया, मैं तेरा भैया नहीं हूँ। कृष्णा शास्त्री बनकर दुनिया को उल्लू बनाऊ मुझे नहीं। मैनेजर साहब, आपको क्या लगता है कि मैंने जानकर इसे गले लगाया? तुमने इसे जानकर गले लगाया या अनजाने में मेरी बला से? ऐसी हरकत फिर मत करना मेरी माँ। अंदर जा, हाथ मत लगा उसे। बाय बाय। अब क्या हुआ? उसने छुआ तो आई 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 कर रहा था, मैंने छुआ तो हिचकियां हिचकी निकली। चल निकल, उठ यहाँ से। प्रभु, इस लड़की और इसके घर को अब मुझे ही बचाना होगा। मैं बनूंगा रखवाला। पंडित जी, ये पूजा कब तक संपन्न होगी? मुहूर्त के हिसाब से 7, 8 या 9 दिन लग जाएंगे। सही कहा, नवमी दशमी 3 दिन, 6 दिन से डायरेक्ट 9 दिन। 9 उल्लू बनाविंग। देखो, 2 दिन में खत्म करो सब कुछ, बजट बहुत कम है। कौन से बजट की बात हो रही है? देखिए ना यजमान, हम पंडित है, डबिंग आर्टिस्ट थोड़े ही, ये बोल रहे बजट कम। इनका कहना है कि बिना दक्षिणा के तुम्हें पूजा करनी होगी। क्यों बे मैनेजर साले, हमारी नाटक पर। सुनिए पंडित जी, पैसे की चिंता मत कीजिए, पूजा सही ढंग से होनी चाहिए। ये हुई ना बात, ठीक है ना? चले काटो ना। माँ चंडी, इस पिक्चर के क्लाइमेक्स में कहीं मेरी बलि ना चढ़ जाए। अरे पंडित, कैसे हैं आप? और कैसा हो सकता हूँ, हलीम खा के मरते मरते बचाऊँ। तुम्हारे उस हलीम के एक प्याले ने मुझे इतनी मार खिलाई है जितनी मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाई है। बहुत परेशान हूँ हसीना। अरे ओ भोले भाले पंडित, भला मैं तुम्हें हलीम क्यों खिलाऊंगी? वो सोयाबीन का हलवा था, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? अरे ऐसा मजाक किया जाता है कि अपना आशिक, मेरा मतलब अपने पड़ोसी से। मतलब तुमने मुझे उड़ का मटन नहीं खिलाया ना? ओम नमः शिवाय। हंस रही है? अयो, लगता है इसके अब्बू से बात करनी पड़ेगी। अब्बू जी, आई एम कमिंग। हाय। अरे तुम कब वापस आई? बस अभी अभी आई, देखो मैंने ट्रॉफी जीत ली। अरे क्या बात।